हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु मैम विद यू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने ट्वेल्थ क्लास के लिए जो इनविटेशन थे उनके टू पार्ट्स बताए थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। उनमें भी जो फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन थे उनके दो दो पार्ट बताए थे, एक्सेप्टिंग का और रिफ्यूज़ल का। तो स्टूडेंट्स, कल हमने फॉर्मल जो इनविटेशन था उसका जो एक्सेप्टिंग का पार्ट था वो हमने करा दिया था, और आज हम डिक्लाइनिंग या रिफ्यूज़ल का जो पार्ट है वो कराने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें उसमें तो हमने हमारी जो फंक्शन में उपस्थित होने की जो निमंत्रण था, मतलब आपका आपने जो दिया था हमको, उसमें अपनी समर्थता बताई थी, लेकिन इसमें किसी विशेष कार्य की वजह से हम अपनी असमर्थता प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। फॉर्मल इनविटेशन और रिफ्यूजल, यू हैव रिसीव्ड an invitation from the principal of government senior secondary school Alwar to attend the career day function on 12th January 2020 at 9 a.m. So write a refusal, write a refusal to the invitation, write a refusal to the invitation to owing to being your important work in a meeting। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, कि आपको अलवर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें आपको कैरियर डे फंक्शन के लिए, यानी कि कैरियर डे फंक्शन जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, उसके लिए वहाँ पर आमंत्रित किया गया है सुबह के 9 बजे, और 12 जनवरी को आपको आमंत्रित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप उसमें किसी मीटिंग में एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होने की वजह से आप नहीं जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, उसके लिए हमको जो इनविटेशन है वो लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये हमने बाउंड्री बना दी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है जिसको इनविटेशन प्राप्त हो रहा है उसका नाम स्वयं अपनी तरफ से लिखना होता है। तो जैसे हमने इसमें लिख दिया, मिस्टर रवि कुमार थैंक्स टू द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर
they are kind invitation to attend the career day function on 12th January 2000। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी सन लिख सकते हैं। At 9 AM। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने लिख दिया है मिस्टर रवि कुमार थैंक्स टू द प्रिंसिपल, कि मिस्टर रवि कुमार जो हैं जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है वो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल और उनके स्टाफ के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उसे इस फंक्शन में निमंत्रित किया या आमंत्रित किया। बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बट रिग्रेट्स, लेकिन वह माफ़ी चाहता है फॉर बीइंग अनेबल, क्योंकि वह असमर्थ है टू अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में, ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से, ऑन द सेम डे, जो कि उसी दिन और उसी समय पर है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें ये जो डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल का इन्विटेशन है ये लिखना है, और लास्ट में आप लिख सकते हैं ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस बाउंड्री को क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, इस लाइन का अर्थ है ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, कि वो मिस्टर रवि कुमार जी जो हैं वो खुद तो इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी शुभकामनाएं इस फंक्शन की सफलता के लिए अपनी संपूर्ण शुभकामनाएं उनके पास भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें ये जो फॉर्मल रिप्लाई है डिक्लाइनिंग या रिफ्यूज़ल का, ये क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमारे पास फॉर्मल इनविटेशन जो थे उनके एक्सेप्टिंग के और डिक्लाइनिंग के, दोनों के एक एक इनविटेशन हमने लिखवा दिया है। अब आप आ जाइए इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उनका, एक एक्सेप्टिंग का और एक रिफ्यूज़ल का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उनके रूल्स के बारे में जानना होगा, कि इनफॉर्मल जो हमारे इनविटेशन है उनमें और ये जो हमारे फॉर्मल इनविटेशन है, इन दोनों में रूल्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उनके रूल से वाकिफ होते हैं। तो देखिए, इनफॉर्मल इनविटेशन तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं इनके रूल। नंबर एक, राइट सेल्फ एड्रेस इन द लेफ्ट साइड। दूसरा है यूज फर्स्ट पर्सन आई और ही। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने उसमें आपको लिखवाया था कि जो फॉर्मल हमारे रिप्लाइज थे, फॉर्मल एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग के जो रिप्लाइज थे उनमें, तो हमने आपको लिखवाया था कि उसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी का यूज़ नहीं करना है, लेकिन इसमें आई और वी का ही यूज़ करना है, इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं करना है। तो हम तीसरा रूल इसमें लिख देते हैं, डोंट यूज थर्ड पर्सन
ही शी इट नेम। और स्टूडेंट इसका चौथा जो रूल है वो है राइट द सेंडर नेम इन द लेफ्ट साइड ऑफ बिलो द इन्विटेशन। और स्टूडेंट्स पांचवा इसमें जो रूल है वो ही होगा क्रिएट अ बाउंड्री। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे जो पांच रूल्स थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको जो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब जो इनफॉर्मल हमारे वो हैं इनविटेशन हैं उनके बारे में हम आपको एक्सेप्टिंग का और रिफ्यूज़ल का दोनों का एक एक एग्जांपल निश्चित रूप से कराएंगे। लेकिन अब वो सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।